हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास टेंथ हिस्ट्री थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डन आवर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट तो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट तो हम लोग इस पार्ट में जानेंगे कि किस तरह से कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज का मैनेजमेंट करते करते हैं या कर सकते हैं कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री तो बता रहे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा मेन पहलू है एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू किसका अप्लाइड हिस्ट्री का द वर्क ऑफ अ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉल अंडर द जुडिसक्शन ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है कि जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन होता है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है मतलब कि जो भी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करता है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया था नेक्स्ट एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एक और ब्रांच है इंडियन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड बिसाइड इंटेक इंटेक मीन्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरीटेज तो ये इंडिया की तीन साइट्स है जो नेचुरल और कल्चरल हेरीटेज का कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करती है कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संवर्धन मतलब देखभाल करना और संभालना Uh, is actively working in this field. the work of conservation and preservation of cultural and natural heritage required uh, required to participate of experts from the various fields. they need to be du uh, duly aware to the cultural, social and political histo uh, histo uh, histories of the heritage side. प्रिंसिपल ऑफ अ फ्लाइट हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग देम दस तो बता रहा है कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करने के लिए उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो साथ ही साथ वैसे लोगों को की ज़रूरत होती है जिनको कल्चरल सोशल एंड पोलिटिकल हिस्टोरिकल नॉलेज हो साथ ही साथ वो उसकी अच्छी तरह से देख देखभाल कर सकते सके और इन सब का अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें अप्लाइड uh, हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता मतलब लोगों को बताने के लिए और लोगों को हम कैसे बता सकते हैं अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ करके तो अप्लाइड हिस्ट्री को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में मतलब संरक्षण और संवर्धन में किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं तो पहला क्या है द ऑपरेशन नेसेसरी फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी चेंजेस इन इट्स ओरिजिनल साइड तो बता रहा है सबसे पहले अगर आप कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज हेरिटेज का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके ओरिजिनल स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए जैसे कि अभी कोई किला है और उसकी दीवार गिर गई है तो आप उसकी दीवार को वापस से बनवाइए ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है लेकिन उसकी जो ओरिजिनल साइट थी मतलब वो जिस तरह का दिखता था उसी तरह का बनवाइए ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज कर दें उसमें चेंजेस नहीं कर सकते सेकेंड द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल चैलेंजेस फेस बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड दे आर एक्सपेक्टेशन कैन बी सर्वाइव्ड इन डिटेल तो बता रहा है कि वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनका सोशल सामाजिक स्ट्रक्चर जो होता है साथ ही साथ उनका जो सोच होता है उनका जो विचार होता है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और उनको अपने फेवर में लेकर ही हमें काम करना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं कोई भी साइट्स जो है उसका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि अभी जैसे आगरा हम लोग चले गए तो आगरा में ताजमहल है तो ताजमहल में जो वहाँ के आसपास के लोग होंगे वो उसके अच्छी तरह से कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं तो इसीलिए उनको हमें अपने फेवर में रखना चाहिए नेक्स्ट ड्यू प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू अवॉइड हंटिंग सेंटिमेंट ऑफ द लोकल पीपल वाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ हेरिटेज साइट तो बता रहा है कि जब आप आ, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं साथ ही साथ डेवलपमेंट करते हैं हेरिटेज साइट्स का तो उसमें जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनकी भावनाओं को कोई भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए ऐसी सावधानी बरतनी हमें नेक्स्ट पार्टिसिपेट ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलेटेड बता रहे हैं वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में हम लोग पार्टिसिपेट करा सकते हैं फिफ्थ सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल इन द क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द लाइवलीहुड बता रहा है कि हम लोग वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तरह तरह के सिस्टमेटिक प्लान क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर शॉप्स ओपन कर सकें या फिर वहाँ पे जो भी फेमस चीज़ें हैं उनको सेल uh, कर सकें जिसकी वजह से उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो साथ ही साथ टूरिस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो नेक्स्ट थ्री पॉइंट फाइव एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग विथ रिगार्डिंग टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजन एंड पब्लिक पॉलिसीज़ इन द फॉलोइंग फील्ड बता रहा है कि हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो हमें सपोर्ट करती है डिसीजन लेने में साथ ही साथ लीगल प्रोविजन में पब्लिक की जो पॉलिसीज होती है उसमें और भी बहुत सारी फील्ड्स है जैसे फर्स्ट दिया है म्यूज़ियम एंड आर्काइव्स तो म्यूज़ियम और आर्काइव्स जहाँ पे पुरानी बुक्स होती हैं पुरानी चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकल चीज़ें रखी होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं म्यूजियम एंड आर्काइव्स प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स अगर हमें हिस्ट्री का नॉलेज है तो हम हिस्टोरिकल साइट्स का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कर सकते हैं साथ ही साथ थर्ड वाला दिया है टूरिज्म एंड हॉस्पिट हॉस्पिटेलिटी तो बता रहे है कि टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी अवेलेबल करा सकते हैं मतलब जो टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे उनके लिए होटल का मैनेजमेंट करना उनके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल कराना नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया साथ ही साथ हम लोग हिस्ट्री अगर हमें पता है तो हम लोग हिस्ट्री के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार कर सकते हैं फिल्म्स तैयार कर सकते हैं मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं और लोगों का लोगों को इंटरटेन भी कर सकते हैं साथ ही साथ उनको नॉलेज भी दे सकते हैं नेक्स्ट

द एग्जाविशन वेयर कंडक्टेड बाय द सर लियोनार्ड वॉली नाइनटीन ट्वेंटी टू टू नाइनटीन थर्टी फोर दिस म्यूजियम वॉज बिल्ड बाई द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया बता रहा है कि ये जो म्यूजियम है वो बनाया गया था मेसोपोटामिया के प्रिंस के थ्रू हर नेम वॉज एनीगाल डी उसका नाम था एनीगार्डी मतलब जो मेसोपोटामिया की राजकुमारी थी उसका नाम था एनीगार्डी सी हरसेल्फ वॉज द क्यूरेटर ऑफ द मेसोपोटामिया बता रहा है वही इस क्यूरे इस म्यूजियम की रक्षक थी क्यूरेटर का मतलब क्या होता है देखभाल करने वाला या फिर रक्षक अ नोटवर्थी फीचर ऑफ़ दैट म्यूजियम इज़ द क्ले टेबलेट इंस इंस्क्राइब्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द एग्जाविशन आर्टफैक्ट बता रहा है कि इस म्यूज़ियम की एक खास बात है कि यहाँ पर छोटे छोटे मिट्टी के जो है वो टैबलेट्स के फॉर्म में जो है इंस्क्रिप्शन रखे हुए हैं जो हमें आर्टफेक्ट में देखने मिलते हैं मतलब कि जब एग्जावि मतलब जब एग्जीबिशन होता है तो हमें देखने मिलते हैं ये छोटे छोटे मिट्टी के जो है टैबलेट्स है और उस पर कुछ लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में ना नेक्स्ट डू यू नो इंडियन म्यूजियम कोलकाता ये देखिए इंडिया का म्यूजियम है कोलकाता में है और ये जो है 1905 की फोटो है द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता वॉज फाउंडेड बाई द एशिएटिक सोसाइटी इन 1814 कॉमन एरा बता रहा है कि ये जो इंडियन म्यूजियम है कोलकाता का ये 1814 फोर्टीन एरा में बनाया गया था और ये बनाया था नील वॉलिची और डेनिस बोटनिस्ट वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ दिस म्यूजियम तो बता रहा है कि नेथानेल वॉलिच एंड डेनिस बोटेस्ट जो थे इन्होंने इस म्यूजियम को बनाया था 1814 फोटीन कामन एरा में द फोटोग्राफ ऑफ द म्यूजियम सीन हर इज़ डेट टू नाइनटीन जीरो फाइव बता रहा है ये जो फोटो दिख रहा है ये फोटो जो है वो नाइनटीन जीरो फाइव का है द म्यूजियम हैज़ थ्री मेन डिपार्टमेंट आर्ट आर्कोलॉजी एंड एंथोप्रोलॉजी बता रहा है कि इस म्यूजियम में तीन डिपार्टमेंट है आर्ट आर्ट मतलब तो कला आर्कोलॉजी मतलब पुरातत्व पुरानी चीज़ें एंड एंथोप्रोलॉजी मतलब ईवोल्यूशन किस तरह से ईवोल्यूशन हुआ अदर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट आर कंजर्वेशन पब्लिकेशन फोटोग्राफ एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन, मॉडल्स मेकिंग ट्रेनिंग लाइब्रेरी सिक्योरिटी ये सब अदर ब्रांचेस है उसमें लेकिन इसमें जो मेन डिपार्टमेंट है वो आर्ट आर्कोलॉजी एंड एंथोप्रोलॉजी का है और एंथोप्रोलॉजी का मतलब होता है इवोल्यूशन। एवरी फील्ड हर रिक्वायर्ड पर्सनल विथ स्पेशलिस्ट स्किल फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स हिस्टोरियंस आर्कोलॉजिस्ट म्यूजियम्स क्यूरेटर म्यूजियम्स क्यूरेटर मतलब म्यूजियम की देखभाल करने वाला सोशोलॉजिस्ट आर्काइव्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स लीगल एक्सपर्ट स्किल्स फोटोग्राफर एक्सेट्रा तो बता रहा है कि हर एक फील्ड में हर एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है uh, जैसे आर्किटेक्चर होता है इंजीनियर होते हैं हिस्टोरियंस होते हैं आर्कोलॉजिस्ट होते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है म्यूजियम्स में आर्काइव्स में हिस्टोरिकल साइट्स पे देखभाल करने के लिए वहाँ का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करने के लिए ऑफकोर्स दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव uh, लिस्ट बता रहा है ये सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए लिस्ट है लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती है द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड दिस एक्सपर्ट नीड टू हैव एडिकुएट नॉलेज ऑफ द एशियन साइड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ़ द स्ट्रक्चर रिमेन एंड आर्टफेक्ट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस प्रोफेशन बता रहा है कि और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें तरह तरह की फील्ड के बारे में नॉलेज होता है और बहुत सारे बहुत सारा ज्ञान होता है एशियन साइट्स के बारे में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूरी तरह से जुड़े होते हैं और जिन्हें हिस्टोरी हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होती है और बता रहा है कि जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो जिसमें हमें जॉब मिल सकते हैं आर्काइव्स विद द डिस्टिंक्ट पर्पज़ द मेन ऑफिस ऑफ अ नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र बता रहा है कि नेशनल फिल्म आर्काइव जहाँ ये आ, ऐसी आर्काइव्स है ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर पुरानी पिक्चर्स जो सबसे पहली पिक्चर्स बनी थी 1913 19, 19, 1912 में उस पिक्चर को कंजर्व कंजर्व करके और प्रिजर्व करके रखा गया और ये जो है कहाँ पर है महाराष्ट्र के पुणे में है इट वॉज इस्टब्लिश इन 1964 सिक्सटी फोर एट द मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बता रहा है कि इसको आ, इंडिया का एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इसने इस्टेब्लिश किया था नाइनटीन सिक्सटी फोर में इट सर्व थ्री ऑब्जेक्ट तो ये तीन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है टू सर्च एंड ऑप्टेन रेयर इंडियन फिल्म एंड टू प्रिजर्व देरिटेज फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन तो बता रहा है कि जो भी हमारी पुरानी फिल्म से या फिर बहुत ही रेयर फिल्म है जो अब नहीं बन सकती है उन सब फिल्म को कंजर्व और प्रिजर्व करके रखता है ताकि आगे आने वाली जनरेशन क्या कर सके उसका बेनिफिट ले सके टू कैटेगराइज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्री एंड कैटेलॉग्स एंड कैरी आउट अ रिसर्च इन दिस फील्ड तो बता रहा है कि ये हर एक फिल्म की कैटेगरीज बनाता है जैसे डॉक्यूमेंट्रीज हुई तो उसको अलग करके रखता है उसके बाद फिल्म्स है तो उसको अलग करके रखता है छोटी स्टोरीज है तो उसको अलग करके रखता है तो इस तरह से कैटेगरीज बनाने का काम भी ये करता है टू टू इस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर डिसिमिनेशन ऑफ अ फिल्म कल्चर तो बता रहा है कि जो भी फिल्म को कंजर्व और प्रिजर्व करके रखा है जो भी पुरानी फिल्म है उन सब का प्रचार और प्रसार करने का भी जिम्मेदारी किसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन द पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री तो बता रहा है कि इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ हम लोग करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को फ्यूचर uh, को सिक्योर कर सकते हैं प्रजेंट और फ्यूचर में किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं और आज हमने ये भी जाना कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसका रूट जो है वो पास्ट में है मतलब कि अगर हम लोग पास्ट को जानते हैं तो हम अपने प्रेजेंट में उन समस्याओं को को हल कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ़ और कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साथ ही साथ अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ करके हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं और किस तरह से हम लोग कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं ये भी हमने देखा यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम दिस परपज टू एनहेंस द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ अ पीपल एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल फील्ड टू कैरी आउट द प्रिपेरेटरी वर्क एंड प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट तो बता रहा है कि हम लोग अगर हमारे पास हिस्ट्री का नॉलेज है तो हम लोग किस तरह से यूज़ करके इंडस्ट्रीज uh, डेवलप कर सकते हैं कॉमर्शियल फील्ड डेवलप कर सकते हैं लोगों के लिए वर्क प्लान डेवलप कर सकते हैं इट इसेंशियल टू अवॉयड वीसिंग ऑफ हिस्ट्री एंड पब्लिक प्लेस एंड टू इंश्योर दैट दे आर तो बता रहा है कि हिस्ट्री को आ, हमने ये भी जाना कि जो भी हमारे पुरानी चीज़ें हैं उसको हम लोग वेंडिलेसिंग का मतलब होता है तोड़फोड़ करना उसे हमें तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए जो भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज है उसको कंजर्व और प्रिज़र्व करना चाहिए ताकि आगे चलकर जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसे जान सके और उसका बेनिफिट ले सके आ, 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 दे आर प्रिज़र्व फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन तो हमें हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए ना कि उनका तोड़ फोड़ करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से सिक्योर करना चाहिए ताकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो तो यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री ख़त्म होता है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं